जैसा कि अभी तक सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी हनी हम लोग भी स्टार्ट किया है, काफी समय हो गया, काफी अच्छे रिस्पॉन्स है। कुछ लोग कभी कभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हनी जम रही है या कभी लिक्विफाई हो जा रही है, तो वो होता ही है, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल होता ही है। क्योंकि देखिए जब जब मधुमक्खी किसी प्रॉपर फूल से उठाती है ना उसका जब शहद, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आयुर्वेद में 8 से 8 प्रकार की शहद का वर्णन किया हुआ है, तो छोटी मधुमक्खी, बड़ी मधुमक्खी और ये सब चीजें अलग 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 रहती हैं, तो उस हिसाब से ही कभी कभी इसके गुण बदलते रहते हैं। लेकिन हम लोग ने कोशिश की है कि हम आपके पास बेस्ट शहद पहुंचा सके, और जो शहद का गुण एक्चुअली आयुर्वेद में बोला गया है उस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो अब ये आता है कि भाई शहद ही क्यों खाना है। बहुत से लोग बहुत से ये मानते हैं कि वो उनकी मेहनत होती है मधुमक्खी की या जो भी उनके कारण है, उनका कारण रहता है कि शहद खाना, शहद जगह में गुड़ भी तो ले सकते हैं या शहद जगह में और भी तो कुछ चीजें ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, गुड़ बनने से मिलता है हमको और शहद हमको पता नहीं मधुमक्खियां कलेक्ट करती है और हमको कंज्यूम करते हैं। तो शहद में जो प्रोसेस होती है, फूलों का रस लेकर के जो मधुमक्खियां उसको प्रोसेस करती हैं, उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, है ना, जो आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब मैं समझता हूँ कि आप सभी को पता ही होगा कि हम हर बार एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत बार हम लोगों ने एप्पल का एग्जाम्पल लिया है, लोहे का एग्जाम्पल लिया है, बहुत सारे चीजों का एग्जाम्पल लिया है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को थोड़ा सा वेट मिलता है, थोड़ा सा हमारी बॉडी को बोलना चाहिए पावर मिलता है, और उस हम चीजों से लड़ने की क्षमता मिलने लगती है बॉडी को। सेकंड थिंग है रॉ हनी। अब देखिए रॉ हनी लिखने का क्या मतलब पड़ता है, हम हनी भी लिख सकते थे, हम शहद लिख सकते थे, हम रॉ हनी या रॉ शहद इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव हो गया या स्वीटनर हो गया या कुछ ऐसा लिक्विफाई करने के लिए तो उसका मिलाया नहीं जाता। जैसा हमारे पास आता है हम बस छानते हैं उसको और आपको पैक करके दे देते हैं, ताकि आपको जो ओरिजिनल चीज है, जो ऑर्गेनिक चीज है वो मिले। इसलिए रॉ हनी लिखा जाता है। रॉ हनी है शोन इम्यून बूस्टिंग एंड एंटी कैंसर बेनिफिट्स। देखिए क्या होता है, आप जब थोड़ा सा भी आयुर्वेद पढ़ेंगे तो उसमें जो शहद के जो गुण बताए गए हैं वो मोस्टली वात कफ शामक ही बताए गए हैं। वात कफ शामक होने की वजह से ये आपके किसी भी जैसे मोटापे में बहुत लोग यूज करते हैं, कैंसर में अभी जैसे बता रहे हैं, इन चीजों से आप अच्छे रिजल्ट हमको दिखते हैं। ये इम्यून बूस्टर भी है, आपके इम्यून को बूस्ट अप करेगा, आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसके बाद में कैसे करते हैं, अब जैसे मैंने इससे पहले बोला कि रॉ हनी बोलने का ये मतलब होता है कि हम आपको डायरेक्ट छान रहे हैं। क्यों, क्योंकि हैवी प्रोसेसिंग या हम जब भी उसको ज्यादा फिल्टराइज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं या बहुत ज्यादा केमिकल्स मिलाते हैं, वो चीजें ना जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको डैमेज कर जाता है, हमको वो चीजें नहीं मिलती है, हमको शहद से वो चीजें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बेनिफिट देखें शहद का तो यूजफुल है वेट मैनेजमेंट में। अब देखिए वेट मैनेजमेंट में यूजफुल है, बट इसको यूज कैसे करेंगे, हम हर बार क्वेश्चन करते हैं सर वेट ज्यादा है, 100 किलो हो जाना है, 80 किलो हो जाना है। तो देखिए हमने जो प्रोटोकॉल बनाया था 80 वक्फा मॉर्निंग में लेने का है ना, तो मैंने उसको अभी तोड़ा है। बिकॉज बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम 8 साढ़े 8 बजे हम 40 ml 50 ml 80 वक्फा ले लेते हैं, हमको काफी तेज भूख लगती है, इसलिए हम उसको ब्रेक डाउन किया है। और हमने मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग आप 8 बजे और शाम के 5 बजे आप क्लोव ग्रीन टी ले, है ना, क्लोव ग्रीन टी बना ले। क्लोव ग्रीन टी बनाने के बाद में उसमें 1 चम्मच जब वो कुनकुनी हो जाए उसमें 1 चम्मच ये हनी डाल के उसको पिलाएं सुबह शाम, और दोपहर और रात में खाना खाने के पहले आप सीबकथॉन दे 30 30 ml इतना करें। अगर बहुत ज्यादा मोटा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो खाना खाने के एडिल को भी अडॉप्ट करें, इससे क्या अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा पैकेज बनता है। और आप उसको एक्सरसाइज करने बोले, और रात के खाने में उसको आप चावल वगैरह बंद करके ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्के की रोटी या रागी, ये सब चीजें खाने बोले। ये लाइट रहती है, उपमा हो गया, दलिया हो गया, ये खाने वाले, इससे काफी जल्दी वेट लॉस होता है और काफी अच्छे रिजल्ट उसके मिलते हैं। सेकंड थिंग, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। क्यों, क्योंकि वात और कफ दोष का समझ पड़ता है, तो कफ दोष की वजह से आपको लंग्स में जो बलगम रहता है या फ्लेगम रहता है वो नहीं बनता है, और उसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अपन कोविड की बात करें तो कोविड में हमको जबरदस्ती का जो इन्फेक्शन लोगों को आने लगता है, बार बार
रिपीटेटिव कोविड इंफेक्शन देखे जाए वो नहीं होते हैं। थर्ड थिंग है नरिशेस जो स्किन एंड हेल्थ, जब आप रॉ ऑर्गेनिक हनी या रॉ हनी लेते हैं तो बिना प्रोसेस की हुई कोई भी चीज आप लेंगे वो आपकी बॉडी को अच्छा ही इफेक्ट करती है, लेकिन जब हम हनी लेते हैं तो वो ऑलरेडी हाइड्रेटेड रहती है और उसकी विस्कस जो प्रॉपर चिपचिपा जो पन रहता है वो आपकी आपकी स्किन को भी काफी अच्छे रिजल्ट देता है। अब होम रेमेडी को अगर जैसे मैंने बोला कि आपके फ्लेगम कफ दोष को ना छेड़ेगा तो कफ को वो बनने ही नहीं देता है, आपकी खांसी में भी आराम आता है और इसमें भी आता है। जब किसी को ज्यादा बलगम निकल रहा है, ज्यादा खांसी है तो सौंठ के पाउडर के साथ में अगर आप ये लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेचुरल होम रेमेडी फॉर डैंड्रफ ये कैसा है, बहुत से लोग अभी हमने प्रैक्टिस की थी, हम शहद लगाने भी दिया है हमने एक दूसरे एक दो लोगों को और मॉर्निंग आवर्स में क्लोव ग्रीन टी के साथ में ही हम इसको पीने के लिए बोले तो काफी अच्छे से हमको रिजल्ट्स मिले हैं। इसके बाद में है एक्स एज ए नेचुरल स्लीपिंग एड, मैंने जैसे बताया कि अभी हम जैसे इसकी बात करते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट देती है तो स्लीपिंग एड्स में कैसे काम आएगा, हम अश्वगंधा के साथ अश्वगंधा का पाउडर करके दो टैबलेट अश्वगंधा पाउडर करके एक चम्मच शहद में जब उसको मिलाकर आप लेंगे और खाने के लगभग सोने के लगभग दो घंटे पहले भी अगर लेते हैं तो काफी एक अच्छा माइंड स्टेबलाइजर बनता है और आपको नींद अच्छी आने लगती है। साइनस इश्यू को कैसे ठीक करता है, कफ दोष को कम करता है तो साइनस इश्यू आपके क्लियर हो जाते हैं। गम डिजीज में कैसे काम करेगा, देखिए गम डिजीज मतलब ये जो मसूड़े हैं, मसूड़े में डायरिया हो जाता है, खून आने लगता है, स्मेल आने लगती है, पॉलिप्स हो जाते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, खट्टे हो जाते हैं, मुख पाक मतलब छाले हो जाते हैं, तो इन चीजों में आपको क्या करना है, इन चीजों में सबसे अच्छा शहद का ऑप्शन आता है। आप रोज रात को सोने से पहले दो चम्मच शहद ले लें मुंह में, गोल गोल घुमाएं, यूं जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसा करें और उसको स्पीट आउट कर दें, तो दो से तीन मिनट अगर आप ये करते हैं ना तो आपके मुंह की सभी बीमारियां ऑलमोस्ट 90% बीमारियां, कोई बड़े कैंसर होते हैं या किसी दूसरे कारण से छाले हो रहे हैं वो छोड़कर आपकी 90% बीमारियां खराब हट जाती है। जैसे दांतों का खराब होना, दांतों का पीला होना, ये सब चीजें हट जाती है, काफी अच्छा एक माउथ टेंशन मिलता है आपको और ये रेगुलर भी करना चाहिए। हम लोग आज की जो हमारी जीवन शैली है, हम बहुत कुछ खाते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, बहुत लोग पता नहीं क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, तो उस वजह से अगर हम डेली भी करते हैं ना तो आपके सलाइवेशन जो लार ग्रंथि रहती है उसको बल मिलता है और आपका पाचन बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। ये बोलने में बहुत छोटी बातें हैं। अभी एक मैं नाम नहीं दूंगा उस कंपनी का, उसे बताया जाता है कि वो एक पिताजी को बेटी बताती है कि पापा जी ये छन्नी है और उसमें आप डालेंगे तो काला पानी जाता है, वो तो देखिए क्या होता है हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया बनते हैं। बहुत से लोग आप अपने घर में पहला पानी पीने बोलते हैं, पहले पानी पीजिए उसके बाद कुल्ला पीजिए, हमारे पुराने लोग ऐसा करते थे, तो ये चीजें रहती है। आप रात में शहद का ये करके देखें काफी अच्छे रिजल्ट्स, और बहुत लोग होता है दांत खट्टे लग लगते हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है, ये अगर शहद का आप गरारा करते हैं ना इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसके बाद नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, क्योंकि देखिए इसमें शुगर नेचुरल शुगर रहता है, नॉट द ग्लूकोज फ्रक्टोज रहता है और इसमें शुगर के अलग लेवल्स रहते हैं, तो आपको शुगर को बूस्टअप नहीं करती, डायबिटीज में हेल्पफुल रहती है और आपको एनर्जी देती है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी प्रोडक्ट है वो हमारा ग्लूकोज है, तो उससे हमको ग्लूकोज मिलता है और हमारा एनर्जी लेवल हाई होने लगता है। सेकेंड थिंग है एक्जिमा, खुजली वगैरह चीज को ये भी कम करती है। एप्लीकेशन में देखा गया है तुलसी तुलसी हल्दी और शहद का जब एप्लीकेशन करते हैं ना तो उससे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं, बट थोड़ा चिपचिपा और स्टिकी होता है इसलिए हमने अभी तक तो बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया है, बट तुलसी और हल्दी का अच्छा रिजल्ट आता है उसमें। देखिए फीचर्स अगर हम देखें तो जो आयुर्वेद में वर्णित है कि आपकी आपकी शहद का ना गोल्डन ब्राउन एक लिक्विड बनना चाहिए, वो हमारी मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो डेजा की जो हनी है ये हमारे जितने बोलना चाहिए जितने क्राइटेरियाज हैं एक प्रॉपर हनी के जो आयुर्वेद में वर्णित है वो क्लियर करती है, जैसे कि गोल्डन ब्राउन लिक्विड बनता है एंड सेकेंडरी बेनिफिट्स ऑफ द गुडनेस ऑफ हनी विद अ डेली डोज। देखिए क्या होता है आपकी एक जो प्रॉपर ऑर्गेनिक हनी है आप उसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपका गार्गल आप रोज रात को दो चम्मच शहद से गार्गल करें काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप रोज सुबह दूध पीने का रहता तो दूध में एज अ स्वीटनर आप ले सकते हैं, आपको शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि भाई
बहुत जब हमको भूख लगी हो या हमको ऐसा लगता है कि हमको डाइट तोड़नी है किसी की, या फिर जो मोटे लोग हैं उसमें आप क्लोव ग्रीन टी में डाल के, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें शो करता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपके 100 ग्राम की हनी में कितनी 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 वैल्यू डली हुई है, वो आप चेक करिएगा। उसके बाद है बेनिफिट्स, अगर हम देखें बेनिफिट्स कहाँ कहाँ उठा सकते हैं, तो देखिए हम जैसे छोटे मोटे बीमारी है, फ्लू है, कफ कोल्ड है, उसमें उठा सकते हैं। जैसे आप फ्लू कफ कोल्ड और एलर्जी है उसमें आप दो चम्मच तुलसी का रस, दो चम्मच शहद और दो गोली गिलोय इसके साथ लेंगे तो आपका बुखार हो गया, कफ हो गया, सब हटने लगता है। सेकेंड थिंग है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप अष्टप्राश एक चम्मच, एक चम्मच शहद मिलाएं, जो बलगम बहुत बन रहा है वो सब हट जाता है। थर्ड थिंग है अगर मान लो कि नॉर्मल डाइजेशन का प्रॉब्लम, हल्का फुल्का गैस बनता है, कोई बाहरी खाली तो गैस बनता है, तो उसमें आप दो टेबलेट आंवला पाउडर कर लीजिए, थोड़ी सी उसमें अदरक पीस कर लीजिए और उसमें आप एक चम्मच शहद मिलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये सभी चीजें आपको रात में करनी, जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए लीवर और किडनी को एज ए एंटीऑक्सिडेंट प्रॉपर्टी अच्छी रिजल्ट देती है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। क्योंकि देखिए हमारे आयुर्वेद में जब हम एक लेवल पे मानते हैं डायबिटीज, तो डायबिटीज को हम क्लेद का नाम देते हैं, जो कफ का डेरिवेटिव रहता है। अगर आपका धीरे 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 कफ ढलने लगता है तो आपकी शुगर भी नॉर्मलाइज होने लगती है। वेट मैनेजमेंट में मैंने बताया है कि आप इसको क्लोव ग्रीन टी के साथ में दीजिए, तो ये चीजें आपको यूज करनी है। दूध के साथ में स्वीटनर यूज कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा प्रेगनेंसी में हम जब देते हैं, लैक्टेशन होते हैं, तो थोड़ा हमको एक बार चेक करके देना होता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स है अलग अलग प्रकार की दवाइयां खाती है, तो उसमें कई बार हमको डैमेज हो जाता है। एक सबसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कभी भी शहद को, कभी भी एवर आप कभी भी गर्म पानी में या गर्म चीज में नहीं डालें, क्योंकि ना शहद हमेशा कुनकुने पानी में, कुनकुनी चीजों में डालना चाहिए। और अगर आपको शहद पे लिटरली अच्छे रिजल्ट चाहिए, आप सीधा 10 बॉटल शहद ले लें, उसको स्टोर कर लें, है ना, और 2-3 बॉटल अभी लेके यूज करें, और वो 10 बॉटल आप 6 महीने बाद यूज करेंगे और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा। इससे काफी आप जैसे जैसे मधु जितना पुराना होता जाता है उतना ज्यादा असर करता है, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ज्यादा वो मोटापे को कम करेगा, उतना ज्यादा कफ दोष को कम करेगा, उतना ज्यादा आपके डायबिटीज को कम करेगा, उतना ज्यादा इम्यूनिटी देगा, उतना ज्यादा स्किन के लिए अच्छा रहता है, उतना ज्यादा फ्लू और इसमें काम करता है। तो हर चीज का एक वैल्यू रहता है, हर चीज को तरीका रहता है। जैसे पुराने लोग आप देखेंगे चावल, बहुत से किसान चावल स्टोर करके रखते हैं, 1 साल पुराना चावल खाते हैं, क्यों, क्योंकि उससे आपको एसिडिटी नहीं होती है, वो चावल इजीली डाइजेस्ट होता है। वैसे ही शहद का है, वैसे ही मदिरा का बोलते हैं, जो आशा वरिष्ठ बनते हैं या जो मध्य बनता है, सोमरस बनाते हैं आयुर्वेद में बहुत से लोग, वो भी जितना पुराना होता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे भस्म होते हैं, जितना पुराना होता है उतना उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे वृद्ध लोग रहते हैं बोलते हैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, जितना ज्यादा बुजुर्ग है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उसको रहता है किसी भी चीज में। वैसे ही अगर आपकी बुजुर्ग है हनी या रखी हुई हनी है, तो वो बिल्कुल यूज करें, अच्छी उसकी रिजल्ट आती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये आप हनी में इतने आप पैटर्न्स में काम कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कि हनी टेंड टू क्रिस्टलाइन एंड कैन बी लिक्विफाइड बाय बेथिंग इन हॉट वाटर। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप हनी को एक गर्म पानी में डाल देते हैं तो वो पूरा टूटने लगता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और दरदरे बन जाते हैं। तो कभी भी गर्म पानी में लुकवार्म वाटर कुनकुने पानी में डालें, जितना आप सह सकते हैं, जितना आप एक बार पी सकते हैं उतने नहीं डालें, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप अभी ठंडियों में खास करके अभी जब कोविड का सिनेरियो है, तो आप बिल्कुल 1 कप दूध, 2 पिंच हल्दी, 2 पिंच सौंठ और 1 चम्मच ये मिला करके पिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और आपको इन चीजों के लिए कोविड हो गया, नॉर्मल वायरल फीवर हो गया, या जो इधर उधर की चीजें, उनके लिए आपको जबरदस्त की दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बिल्कुल होम रेमेडी में एक अच्छा इलाज कर सकते हैं। और ये देखिए जब आप छोटी छोटी चीजों में अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं ना, तो लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, आपका भरोसा बनता है और आप बड़ी चीजों पर काम कर सकते हैं। और जब भी कोई बड़ी बीमारी आती है, हाँ जब भी कोई बड़ी बीमारी है, जब भी कोई बड़ी बीमारी है लाइक इनफर्टिलिटी है, अस्थमा है, इन चीजों के लिए बिल्कुल रिपोर्ट्स अपने हाथ में रखें। क्यों, दो कारण है उसके। एक तो मैं सिर्फ रिपोर्ट देखता हूँ, मैं आपके पेशेंट्स को विजिबली देखता नहीं हूँ या फिजिकली देखता नहीं हूँ, नाड़ी चेक करता नहीं हूँ, तो मुझे रिपोर्ट्स का एक सहारा रहता है। सेकेंड थिंग, जब हम रिजल्ट देते हैं, जैसे मान के चलो आपने अभी आपके पेशेंट की डायबिटीज है 200 250 है,
हमने पहले रिपोर्ट देखी आईपीओ का 10 तक है, हम जब उसको 2 महीने 3 महीने का ट्रीटमेंट देना, जब सेकेंड टाइम रिपोर्ट कराते हैं और जब वहां पर रिपोर्ट नॉर्मलाइज आती है, तब आपके पास एक प्रूफ रहता है कि देखिए हमने 3 महीने पहले यही स्थिति थी और 3 महीने बाद यही स्थिति है, हमने कोई भी एलोपैथी हमने कोई मॉडर्न दवाई नहीं खिलाई है, हमने सिर्फ डीजल प्रोडक्ट खिलाए और आपको ये रिजल्ट मिला और बंदा अभी बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि हम दवाई छोड़वाएंगे और उसको तकलीफ आएंगे, ये चीजें आपके सामने रहती है।